आप देख रहे हैं अमेज नाउ। मजदूरों के साथ समय बिताना, ट्रक ड्राइवर से उनकी समस्या पूछने के साथ साथ कुछ दूर तक ट्रक चलाना, धान के खेतों में जाकर रोपाई करना, ट्रैक्टर चलाना। लद्दाख में मोटरसाइकिल राइडिंग, न सिर्फ मोटरसाइकिल मैकेनिक से मिलकर उनकी समस्याओं को जानना, विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच समय साझा करना, तकरीबन 4 महीने तक भारत जोड़ो अभियान से जुड़े रहना, इस तरीके से अनगिनत गतिविधियां कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पिछले 6 माह के भीतर कर डाली हैं। मकसद साफ है, लेकिन जिस तरह से जमीनी स्तर पर जुड़कर लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना, अपनी साख स्थापित करना, खासकर महिलाओं के बीच, यह भी मामूली बात नहीं है। आपको याद दिला दें, दिल्ली की शकूर बस्ती में महिलाओं की समस्याओं को जानना, युवाओं के बीच अक्सर समय बिताना, बस और मेट्रो में बैठकर आम जनता के बीच उनसे समय साझा करना, और इतना ही नहीं, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों के बीच जाकर बैठना, न सिर्फ बैठना बल्कि उनकी समस्याओं को जानना और उन्हीं से उनकी समस्याओं का समाधान पूछना, और फिर कुली की ही वेशभूषा धारण कर कुछ दूर तक लगेज उठाकर चलना, मानो राहुल गांधी छा गए हों। यकीनन कुछ लोग राहुल गांधी की इस गतिविधि को 2024 के चुनाव से जोड़ रहे होंगे, लेकिन सच तो यही है ना कि असली नेता भी वही है जो जमीन से जुड़कर आवाम के दुख दर्द को समझे। आखिर प्रधानमंत्री रहते मोदी भी तो कई जगह ऐसे ही कृत्य दिखा चुके हैं। काशी कॉरिडोर के लोकार्पण के दौरान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बीच मोदी का भी सीढ़ियों पर जाकर बैठना आपको याद होगा। इसी तरह 15 अगस्त 2023 को लाल किला परिसर में ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच बनाने की कवायद की थी। एक बार फिर हम आपको याद दिला दें, राहुल गांधी ने समाज के पिछड़े, दबे कुचले, मजबूर मजलूम वर्गों से मिलने का जो बीड़ा उठाया है वह वास्तव में काबिले तारीफ है। एक ऐसा फौजी जिसने कारगिल युद्ध के दौरान अपने हाथ और पैर दोनों गंवा दिए, उससे कोई जनप्रतिनिधि आज तक मिलने नहीं गया, उसके साथ बैठकर खाना बनाना और खाना रोमांचित कर देने वाला दृश्य है।
और शायद यही कारण था कुलियों के प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से वक्त साझा करने की गुजारिश की थी, जिसे राहुल गांधी ने बखूबी पूरा किया। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।